हाई गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग गुड गाइज। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने बहुत सारे अजमेरा फैशन के वीडियोज बनाए हैं और आपको बताया है कि अजमेरा फैशन के थ्रू आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। उनके बहुत सारे कलेक्शन अपने वीडियो में मैंने ऐड करके आपको दिखाए हैं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज वो आपको अपनी कलेक्शन नहीं दिखाएंगे, आज वो आपको जवाब देंगे आप ही के क्वेश्चंस की, जो भी उनको क्वेश्चंस मिलती है रिगार्डिंग अजमेरा फैशन और आप खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो अजमेरा फैशन स्पेशली हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप यू नो हाउसवाइफ हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो बट आप थोड़ा सा यू नो टाइम निकाल के अपना इनकम करना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। तो इस बारी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितनी भी लड़कियाँ हैं जो घर बैठी हुई हैं छोटे छोटे गाँव में, जहाँ उनके पास यू नो जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है बट वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन आपको बहुत हेल्प कर रहा है। आगे मैं उनकी वीडियो अटैच कर रही हूँ, सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चेक कीजिए, क्वेरी कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन के नए एपिसोड क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में। दोस्तों, पिछले दो एपिसोड में आपने पूछा था और मैंने जवाब भी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाइड कर पाया हूँगा। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन कड़वी बात सच्ची होती है और शायद कड़वी लगेगी किसी को, लेकिन सच के साथ साथ उसके ऊपर से पर्दा भी उठना बहुत ज़रूरी होता है। हकीकत क्या होती है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा हुआ था कि आपने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, जिसका कपड़ा बिकता है उसको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने की ज़रूरत हमें भी नहीं है, लेकिन एक मुहिम हमने चलाई है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट। मेरे डीलर और मेरे होलसेलर तक मुझे पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे जानते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास ही नहीं जिससे भी उनको कपड़ा लेना होता है उन तक वो पहुंचते हैं, कपड़ा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब मुझे मेरी बात हिंदुस्तान के एक छोटे से छोटे गांव में किसी कोने में बैठी हुई एक लेडीज़ तक पहुंचानी होती है, तो इस सोशल मीडिया से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता है। और ये बात मुझे उन तक क्यों पहुंचानी है वो मैंने आपको बताया कि महिला सशक्तिकरण। मेरा मानना है कि भाई, खासकर लेडीज़ से मेरी विनंती है, हालांकि खाली किसी को भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ख़ास महिलाओं से मेरी विनंती है कि अगर घर में वो एक हाउसवाइफ का काम कर रही है तो उनके पास जो एक्स्ट्रा 2, 4 या 6 घंटे जो भी उनके पास होते हैं उसमें उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए। इस मुहिम को लेकर के हम लोगों ने ये वीडियो बनाना चालू किया है और बहुत अच्छा आप लोगों के आशीर्वाद से इसका रिस्पॉन्स मिला है। मैं कौन सा एक ऐसा स्टेट या उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट या उस डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की बात करूं जहां पे शायद ट्रेन भी ना पहुंचती हो, वहां पे ये वीडियो पहुंचा है और उन लेडीज़ ने हमारे साथ जुड़ के काम किया है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद कपड़ा बेचना नहीं, वीडियो बनाने का मकसद हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं जो गांव देहात में बैठी हुई है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का है, उन लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने का है, उन लोगों तक इनकम सोर्स, एक नया जो वो लोग जिससे उनका घर परिवार चलता है वो तो है ही है, जो उनके हस्बैंड या उनके परिवार के जो भी मुखिया हैं वो बिज़नेस करते हैं या जो भी करते हैं, उसके अलावा एक इनकम का सोर्स जनरेट होना चाहिए। वो मुहिम थी जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो बनाना इसीलिए हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है कि एक एक महिला तक हम बात अपनी पहुँचा सकें। दूसरी बात, क्वेश्चन करते हैं लोग कि कपड़े का ही बिजनेस क्यों, बिजनेस ही जब करना है तो और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। तो मेरी आपसे हमेशा गुजारिश रही है, आपकी जो इच्छा हो आप वो बिजनेस कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई आपको कपड़े का ही बिजनेस करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है अगर आदमी के पास
जो समय है जो ईश्वर ने सबको दिए हैं 24 आवर्स दिए हैं, उसमें से अगर हम इसको तीन भागों में बांट देते हैं तो 8 घंटे हम जो अपना कोई भी काम करते हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं, और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो हमें ऑफिस के लिए 8 घंटे होते हैं, बाकी 8 घंटे हमें सोने के लिए चाहिए होते हैं, रेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उस 8 घंटे के अंदर आप क्या करते हैं ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर के ऊपर। इस 8 घंटे में आप अपने आप को कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं, कितना नॉलेज गेन करते हैं, कितना अपने दिमाग के ऊपर खर्च करते हैं, अपने दिमाग को ब्रॉड करने के लिए, अपनी बुद्धि को खोलने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर के ऊपर। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई खाली ना बैठें, कोई भी बिजनेस करें, चाहे कपड़े का हो या चाहे आपकी किसी भी चीज़ में रुचि हो, आपको वो करना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं जिसमें भी आपकी रुचि हो। इसके अलावा मैं कपड़े के बिजनेस को ज़्यादा करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है, मैंने बीड़ा उठाया है वुमेन एम्पावरमेंट का। गांव के अंदर एक देहात में कोने में बैठी हुई लेडीज़ भी हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सके, उसका बीड़ा मैंने उठाया है। उसी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बिजनेस किसी भी और बिजनेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा चांसेस आपको देता है सक्सेस होने के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथ में पड़ा लड्डू उठाया और खा लिया आपने, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा बिजनेस आप करते हैं तो उसकी तुलना में ये बिज़नेस खासकर लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है। लेडीज़ का सबसे बड़ी चीज़ तो लेडीज़ का प्रोडक्ट है ये। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, अगर ये साल भर भी आपके पास पड़ा रहता है तो ख़राब होने वाला नहीं है। तीसरी चीज़, हम जिस कल्चर के अंदर रहते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पे अगर आपको यूज़ करने के लिए कपड़ा नहीं भी चाहिए होता है तो आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेशन में, किसी न किसी की शादी में, कभी एनिवर्सरी में, कभी बेटी घर में आती है, कभी बहू ससुराल जाती है या पियर जाती है या कुछ भी होता है, आपको साड़ी 10, 20, 50 साल के अंदर देने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है, इतनी प्रोडक्ट की डिमांड है इसकी। चौथी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये बिज़नेस, अगर एक लेडीज़ साग भाजी खरीद सकती है, उसका हिसाब रख सकती है, तो ये बिज़नेस आराम से कर सकती है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को किसी भी बिज़नेस की तुलना में 10 टाइम्स ज़्यादा सक्सेस होने का मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इतने सारे इसके फैक्ट्स हैं जो कि इतने इजी इस बिज़नेस को बनाते हैं, इसलिए ये बिज़नेस करने के लिए मैं खास बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यही बिज़नेस कीजिए, कुछ भी कीजिए कीजिए, मैं हमेशा कहते आया हूँ। लेकिन लेडीज़ लोग जो गांव देहात में बैठे हैं, शायद पढ़े लिखे ना हों, तो उन लोगों के लिए ये बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। प्रोडक्ट अगर वो ले जाती हैं और अगर सेल नहीं भी हुआ होता है तो 20-25-30 हज़ार रुपये का तो साल के अंदर उनको किसी न किसी को देने लेने के लिए चाहिए ही होता है, तो उतना तो कहीं भी यूज़ हो सकता है। प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया, डिमांडेबल है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं बिज़नेस कपड़े का जो है रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपको कपड़े का ही बिज़नेस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के अपने सवाल का जो जवाब है मैं पूरी तरीके से समझा पाया हूँ, और अपनी बात को जैसा मैं पहुँचाना चाहता हूँ, पिछले वीडियोज़ में भी पहुँचाई है और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो कोशिश करी है उसमें कामयाब हो पाया हूं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी दोस्त, आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेशन वाले के काम का हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुँचाइए उन लोगों तक जिनको मन में करने की कुछ तमन्ना है लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ पा रहा है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जिससे वो कोई ना कोई बिज़नेस कर सकें। और अगर आप आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर के इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।
और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।